पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों पर अब खतरा मंडराने लगा है। जिन परमाणु हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत समेत दुनिया के कई देशों को धमकी देता रहता है, वो अब पाकिस्तान से छिन सकते हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी हमलों और गृह युद्ध जैसे पैदा हुए हालातों के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी आतंकी संगठन के हाथों में लग जाते हैं तो दुनिया में नई संकट पैदा हो सकती है। लेकिन आपको बताएं तो अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीन लेने का प्लान पहले से तैयार है। बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान की स्थिति को बहुत पहले ही भांप लिया था। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने सालों पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। अमेरिका के इस इमरजेंसी प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छीन लेना और कब्जा कर लेना। आपको बताएं तो 9/11 के आतंकी हमलों के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका के नजरों में चढ़ा हुआ है। भले ही अमेरिका ने इस हमले का बदला ले लिया हो, लेकिन पाकिस्तान को लेकर न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के नजर में एक संदेह वाली छवि बनी हुई है। आपको बताएं तो पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, और ऐसे में अगर ये गलत हाथों में चले जाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। बीते साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु हथियारों वाले पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया था। 2011 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के हथियार उनके देश या उनके देश के हितों पर खतरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब प्लान को एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में ऐसा संभव है कि अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर उसके परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बताएं तो ना ही स्नैच एंड ग्रैब को लेकर पाकिस्तान या फिर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक समझौते की बात सामने आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका से युद्ध तक की बात कह दी थी। मुशर्रफ ने कहा था कि परमाणु बम को सीज करने की कोशिश पाकिस्तान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू कर सकता है। ये पाकिस्तान की संपत्ति है जो पूरे देश में सुरक्षित जगहों पर है। 18,000 से ज्यादा सैनिक इसकी रक्षा करते हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि पाकिस्तान में स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद भी अमेरिका के द्वारा देश के अंदर घुसकर उसके परमाणु हथियारों पर कब्जा करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।